आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते इस वक्त ही कुछ खास खबरों की ओर। देवरे के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम बरारी में जेवरात और लाखों रुपए का पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लिया था। इसी चोरी की वारदात का खुलासा पुलिस उप महानिरीक्षक ने कर दिया है। पुलिस की टीम ने सफलता हासिल करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर अभियुक्तों के पास से लगभग 23 लाख के जेवरात बरामद हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस को अब मुख्य आरोपी की तलाश है। वर्ष 2022 का ये चौथा सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक पूरे एक सप्ताह का ये मनाया जा रहा है। इसमें सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने तथा उसमें होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए विभिन्न स्तर के प्रयास किए जाएंगे। उसी कड़ी में आज का प्रथम दिन था और हमारे जनपद के माननीय सांसद मुर्जियागंज श्री जगदंका पाल जी ने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में रोड सेफ्टी वीक का शुभारंभ किया है। इस सप्ताह के में 7 दिन के लिए शासन से डे बाय डे के अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें जागरूकता के साथ साथ एनफोर्समेंट कार्रवाई तथा वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नेत्र कैंप इत्यादि का लगाया गया ना समझ। श्रावस्ती में एक युवक का शव मिला है। दरअसल युवक बकाया पैसे मांगने गया था। गांव के बाहर सूरज कुंडा नाले में तीर्थ राम का शव मिला है, तो वही परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई है। तीर्थ राम का शव सूरज कुंडा नाले के पास एक खेत में मिला। मृतक के पिता द्वारा बताया गया कि पास के गांव के एक व्यक्ति पर 2800 रुपये बकाया थे, जिन्हें लेने के लिए मृतक कल शाम को गया था। सुबह उनके पोते ने शव देखा। मृतक के पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शव को पीएम हेतु भेज दिया गया। घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें लगा दी गई। वही अलीगढ़ में लाउडस्पीकर मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला नेता ने कहा है कि हमारे धर्म के मामले में अड़ंगा लगाया तो मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों के सामने बैठकर मुस्लिम महिलाएं कुरान का पाठ करेंगी। समाजवादी पार्टी की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष ने कहा है कि मुस्लिम धर्म को टारगेट कर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा किया गया तो सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं मंदिरों पर जुटेंगी और मंदिरों के बाहर कुरान का पाठ किया जाएगा। तुमने अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है। हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ करेंगे। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे बदायूं जिला अस्पताल में फायर सर्विस विभाग के अग्निरोधक प्रचार प्रसार कार्यक्रम के तहत लोगों को आग लगने के कारण और बचाव के तरीके के बारे में बताया गया। इस दौरान पेट्रोल घरेलू गैस सिलेंडर से लगने वाली आग पर तुरंत काबू पाने के उपायों की जानकारी दी गई। गाजीपुर में 28 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जनपद के सभी ब्लॉकों में लगने वाले स्वास्थ्य मेले का आगाज जनपद के 4 ब्लॉकों में किया गया, जिसमें मोहम्मदाबाद ट्रॉमा सेंटर पर बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह ने सातपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह की तरफ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभी ब्लॉकों पर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने गर्भवती की गोद भराई और 5 साल से कम उम्र के बच्चों का अन्नप्राशन कराने का भी काम किया। सातपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने मेले का उद्घाटन करने के पश्चात आम जनमानस को मेले से लाभ उठाने की बात कही। स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सारी जितनी भी मेडिकल में सुविधाएं होती हैं सब पे विशेष नजर डाला गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं से यहाँ पे
आँखों से संबंधित, त्वचा से संबंधित और आपके सारे रोग, जितने भी रोग होते हैं सबके विशेषतः ध्यान देते हुए ये मेले का आयोजन किया गया है, जो कि मैंने पूरा निरीक्षण भी किया है। सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष का स्टॉल लगा है, जिसमें होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और फार्मासिस्ट हैं, जो कि होम्योपैथी वाले सभी मरीजों का इलाज हो रहा है। इसके अलावा आयुर्वेद के डॉक्टर लोग आए हैं और उनके फार्मासिस्ट हैं, आयुर्वेदिक दवाएँ भी बढ़ रही हैं, होम्योपैथिक दवाएँ भी। इसके अलावा एलोपैथ में हमारे विभाग की ओर से आज यहाँ पर टीकाकरण का विशेष शिविर लगाया गया है, जिसमें बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा कोविड का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, जिन भी लोग जिसको भी अगर कोविड का टीका लगवाना हो तो वो लगवा सकते हैं। और आज हमारे सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर्जन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, फिजिशियन हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये सभी लोग बैठ के आज स्वास्थ्य मेला में जो है कार्यक्रम। खबर कन्नौज से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए, जिसकी शिकायत पीड़िता ने कानपुर और लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम से की, जिसके बाद इस मामले पर कार्यवाही शुरू की गई और कोतवाली में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। भाई पंकज भदौरिया से शिकायत की थी कि इस तरीके से 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, तभी वेतन एरियर के आदेश करने के लिए कहा जा रहा है संबंधित बाबू द्वारा। और ये पीड़ित अध्यापक कई बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही मिला था, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उनका जो कहना है पीड़ित शिक्षक का, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी इसी बाबू का नाम लिया कि आप उनसे ही बात करें, वही कहेंगे तभी निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सलाह दी कि आप पैसे पहले शिकायत करें एंटी करप्शन टीम में, उसके बाद ही उन्हीं के कहे अनुसार काम करें। तो ये एंटी करप्शन टीम से उन्होंने उत्कर्ष कटिया ने संपर्क किया, आज रंगे हाथ गिरफ्तार करके टीम ने, जैसे उन्होंने पैसे दिए थे रंगे हाथ गिरफ्तार करके आज हवाला से बंद किया है। मथुरा में 4 दिन पहले घर के बाहर से गायब हुए 9 साल के बच्चे का गांव के पास बने पुराने किले के कुएं में शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे के गायब होने को लेकर ग्रामीणों ने बाजार बंद कर पुलिस चौकी का घेराव किया था, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में बच्चे की खोज कर बरामदगी का भरोसा परिजनों को दिया था, लेकिन बच्चे की कुएं में तैरते शव को देखकर ग्रामीणों ने बच्चों की हत्या की आशंका जताई। मामला गोवर्धन थाना इलाके के कस्बा अडींग का है। और दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो नहीं सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चा कस्बे में ही था 3-4 दिन से। पुलिस की नाकामयाबी रही, अकर्मण्यता रही, ढीलापन रहा कि डग स्क्वाड जो आज आई है, अगर पहले ही आ जाती घर घर में छानबीन कर लेती तो शायद ये बच्चा जिंदा बरामद हो जाता। निश्चित रूप से आज ही रात को, जो गई रात है उसी दिन उसी रात को उसकी हत्या की है या उसको यहाँ डुबो के इसमें मार दिया गया। 14 अप्रैल की शाम को गुमशुदा हो गया था और उसको पूरी पुलिस टीम और गांव ग्रामीण के सहयोग से खोजा जा रहा था। आज उस बच्चे का शव पास के कुएं में मिला हुआ है। हम लोगों ने शव को नियमानुसार निकाल के पोस्टमार्टम भी भेजा है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है, वो सारे साथ इकट्ठा कर रहे हैं और पोस्टमार्टम में जो भी कारण आएगा उस आधार हम लोग आगे करेंगे। भैया बड़ी दुखद घटना है और स्थिति को देख के लग रहा है ये बच्चा शायद कल तक जिंदा होगा और अब जो है ये घटना हुई है और कितनी बुरी है और कितनी गलत है कि बच्चा अडींग की अडींग में सेफ नहीं है। अब तो दिक्कत ये भी है कि घटना का जो तार है जो अडींग से ही लिंक है ये। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां गेहूं काटने को लेकर एक महिला को बुरी तरह से पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना को लेकर महिला को लेकर बीच बचाव करने गए महिला के भाई को भी चोट आई है और महिला को दबंगों ने इस प्रकार मारा पीटा है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। इस मामले में पीड़ित ने थाना में तहरीर भी दिया है। बता दें मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जिसके बाद महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी बात कहकर न्याय की गुहार लगाई। मेरी बहन गेहूं काटने के लिए गई थी खेत में और उन लोग 5-6 लोग गाड़ी से आए और फिर डंडे डंडे से मारे हैं। कौन लोग थे वो? सराफत अली, सरातुल्ला और सफातुल्ला, सराजुल्ला और हजरत अली बड़पुर के रहने वाले हैं। बच्चा तो खराब हो गया, वही तो डंडे से मारे हैं उन लोग पेट में और लड़का खराब हो गया। 4 महीने का बच्चा था, 4 महीने का।
सिद्धार्थनगर में एक नॉर्मल से मामले को लेकर, गेहूं काटने को लेकर इस तरह की मारपीट हुई दो पक्षों में कि एक महिला को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसके घर में पल रहे बच्चा भी नुकसान हो गया। इस तरह की जब घटनाएं निकल के छोटे प्रदेशों से सामने आती है तो बेहद दिल दहला देने वाली ये घटनाएं होती हैं। हालांकि महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सिद्धार्थनगर में अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिला इकाई प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष चंद्रमणि यादव की अगुवाई में डीएम की शिष्टाचार मुलाकात हुई। मुलाकात के समय जिलाध्यक्ष चंद्रमणि यादव ने नवागत डीएम को पुष्प गुच्छ भेंट किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्या का समाधान निकालने के लिए 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारी को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष चंद्रमणि ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या काफी खराब होने के कारण मनरेगा कार्यस्थल पर मजदूरी की हाजिरी मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से नहीं हो पा रही है। सबसे पहले वाईफाई सुविधा से ग्राम पंचायत को लैस करने के बाद ही योजनाओं को लागू करें। ग्राम पंचायत के साथ ही अन्य कार्यदायी संस्थाओं में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए। समस्या था जिसे मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन दिया गया उनको, जो मनरेगा के तहत काम हो रहे हैं उसमें मोबाइल मॉनिटरिंग रखा गया, जहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, जब जिले पे नहीं रहता है गांव में नेटवर्क की समस्याएं हैं, इससे मास्टर लोड जीरो हो जाता है, विकास रुक जाता है, ये समस्या है। और सब आश्वासन क्या मिला? अब उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री को भेज दिया जाएगा। तो की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।